हरियाणा में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और आरोपी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। अब क्या समीकरण बनते हैं और क्या बिगड़ते हैं, ये तो जनता ही तय करेगी कि 5 तारीख को किसको विधायक बनाएंगे और किसकी सरकार बनाएंगे। वहीं पंजाब केसरी की टीम भी लगातार फील्ड में डटी हुई है और आपको डेली अपडेट दे रही है। और इस वक्त हम मौजूद है संभालका में, यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है धर्म सिंह चौकर, उनसे बात करेंगे कि क्या धर्म सिंह जी लगातार जो डेली माहौल बदल रहा है और क्या समीकरण बन रहे हैं क्या नहीं, आप लगातार फील्ड में डटे हुए, तो कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? आप ये कन्फर्म है माहौल बदल रहा है? चुनावी समीकरण डेली अपडेट हो रहे हैं जी। किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी तरफ जा रहे हैं, ऐसा है डे बाई डे जो समीकरण ही नहीं एक तरफा लहर आ चुकी है कांग्रेस की और समालखा में, पूरे हरियाणा में तो आ ही रही है और कांग्रेस में एक तरफ आंधी, एक तरफ की आंधी है कांग्रेस की, और जो कैंडिडेट्स हैं वो भुखलाए हुए हैं, दुकान में दाने नहीं रहे, तो अब वो थोड़ा तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मैं आपके माध्यम जनता से अपील करना चाहता हूँ, अफवाहों से बचे, हम बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और हर समाज के समर्थन मुझे मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप ब्राह्मण समाज का रविदास, चमार समाज का और हर समाज का हर मुझे समर्थन मिल रहा, और गांव में जाता हूं तो साथ साथ गांव के प्रमुख होते, 2 दिन मुझसे निकलते हैं लोग, जहाँ जाता हूँ निकलने देते घर से, इतना प्यार दुलार आसमान मुझे मिलने जा रहा है। और तो मुझे हालात को जैसे लहर है, जैसे लोगों का जज्बा जुनून है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 19 का जो रिकॉर्ड हमने बनाया था 84,000 वोट लेकर, अब ये शायद उसके बढ़कर 1,25,000 करीब जाकर अपना रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं। धर्म सिंह जी, जैसे पहले बीजेपी ने पिछले चुनाव में 2019 में 75 पार का नारा दिया था, इस बार कह रही कि हमारी 62 सीटें हैं, अभी 15 पार है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आप देखिए कैंडिडेटों को आना जाना मुश्किल हो रहा, फील्ड में जा नहीं सकते हैं, जनता अपने खिलाफ है, उनको पीछे भाग लेती है, उनको भाग के पेंट छोड़ना पड़ता, पेंट इनका मेन सीट नहीं रही 10 साल को कार्य तो नहीं किया ना। संभाल के बात करने लगा कोई, मैंने 5 साल के कार्यकाल में कॉलेज, हॉस्पिटल, सीएससी, स्टडी पार्क देश भर बनाए, ITI, केंद्रीय विद्यालय, स्टेडियम्स, बहुत बड़े पुल, यमुनापुर 103 करोड़ रुपये का, तो वो कहीं वो नज़दीक भी नहीं है। इस 10 साल में उन्हें एक टोला भी लगाया ना, रोजगार के अवधि। दीपेंद्र हुड्डा भी आपके एरिया में आए थे, एक रैली जनसभा भी की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वोट काटू हैं, तो उनके आने के बाद कितना बदलाव और कितना प्रभाव हुआ है? एक तरफ हम वहाँ को बंदा हो तो रात को क्वार खटकाते हैं, क्वार नहीं खुलता, कोई दफ्तर बंद कर दिया, दफ्तर बंद कर दिया। हाँ, जाके देख लीजिए आगे तले तो राइट साइड में कोई ना आदमी है ना इंसान है ना कुर्सी है ना कुछ भी नहीं है। और मैं आपके मध्य इससे थोड़ा जो कमी रही है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 तारीख को, और हमारे नेता सचिन पायलट जी 1 तारीख को 10 बजे नई नाज मंडी में एक विशाल जनसमूह संबोधित करने जा रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद भी आ रहे हैं? हाँ, आज राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मेरे से मित्र भी हैं और हमारे बड़े माइनॉरिटी के बड़े बड़े नेता हैं, नेशनल लेवल के राज्यसभा सांसद भी हैं। आज पूरे 12 के 12 गांव बहुत भारी जन समर्थन से मुझे जन सैलाब मिलेगा, देखना आप वहाँ आपका न्योता देता हूँ, आप खुद ही मेरी जो जीत डिग्री आप उन्हें खुद ही कर दोगे। आपने परसों एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले चुलकाना जो धाम है उसको धार्मिक स्थल घोषित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, चुलकाना धाम जो है ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थली है और इसको हम तीर्थ स्थल डिक्लेयर कराए देंगे तो इससे भोर आना जाना लोग, वैसे अभी इतने लाखों ही लोग में तादाद में यहाँ आते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, जैसे तीर्थ स्थल सरकार ने डिक्लेयर कराएंगे तो उसकी फैसिलिटी हो जाएंगी, एरिए का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, बिजनेस होगा, इसे कई फायदे होंगे जनता का। लास्ट सवाल धर्म सिंह जी, एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि जो बीजेपी प्रत्याशी उनके फादर ने कुछ समय पहले कहा था कि संभाल का भूखंड एरिया है। देखो, इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, जनता जाने वो जाने, लेकिन इतना जरूर कहूँगा पहले क्या उनसे वोट ली थी जब 2 सालों मैंने इसको कैंडिडेट को हराया था, जमानत जब्त कराई थी, अब की बार इतना कहता हूँ क्या उनसे जाए, मेरे ख्याल में क्या उन्हीं वोट लेकर यहाँ से जाए। तो ये थे संभालका से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह चौकर, जिनका कहना है कि इनका किसी से मुकाबला नहीं है और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अपने ऑफिस का ताला लगाकर घर पर बैठ चुकी हैं और इस बार इन्हें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जनता यहाँ की इन्हें चंडीगढ़ भेजेगी। संभालका से पंजाब के सीटीवी के लिए कपिल शर्मा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।